गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग क्या इंडक्टेंस के बारे में पढ़े थे। अब आइए देखते हैं कि इंडक्टेंस कितने टाइप का होता है। तो इंडक्टेंस के डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं। तो हमारा ये टॉपिक है, सबसे पहला इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो वही जो हमारा इंडक्टेंस था जिसको हम के से डिनोट कर रहे थे। तो अगर हम एक पेयर ऑफ कॉयल के लिए इंडक्टेंस पढ़ेंगे, एक पेयर ऑफ कॉयल के लिए जिसे दो कॉयल होंगे, तो उस समय इंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ कॉयल होना चाहिए। एक कॉयल हो गया, एक एक कॉयल हो गया। तो पेयर ऑफ कॉयल के लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पेयर ऑफ कॉयल होगा, मान लिया फर्स्ट कॉयल सेकंड कॉयल है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉयल हो गया और ये मान लिया हम समझने के लिए सेकंड कॉयल। इसका जो फ्लक्स पास होगा, मान लिया उसको हम मान लेते हैं फाई टू। तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम मान लेते हैं एन टू फाई टू। तो जो टोटल फ्लक्स होगा एन टू फाई टू डिपेंड ऑन फर्स्ट करेंट आई वन। तो इसके बेसिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं इस फिगर को भी समझ के लिए, सिंस क्या होगा हमारा एन टू फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा ही फ्लक्स सेकेंड क्वाइल से लिंक करेगा। करंट की वैल्यू कम कर देंगे तो सेकेंड क्वाइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है टोटल वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एन टू फाई टू इज इक्वल टू, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है पेयर ऑफ कॉयल है, तो हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जब क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे, एम इन टू आई वन। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन पुट करें कि इफ आई वन इक्वल टू वन एम्पियर, क्या करें हम कि अगर फर्स्ट कॉयल में करंट को हम 1 एम्पियर कर दें तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा एन टू फाई टू दैट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस डिनोटेड बाई एम। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, देन आई वन की वैल्यू 1 रखने पर एम इक्वल टू एन टू फाई टू। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया जिसको अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको क्या एम से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉयल व्हेन करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉयल इज 1 एम्पियर। इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉयल में करंट 1 एम्पियर हो, सेकेंड कॉयल से जितना टोटल फ्लक्स पास आउट होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाएगा। अब उसकी एसआई यूनिट जो होती है हेनरी होती है, और इसको हम क्या है कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी तरह हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस का ये दूसरा टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको जो हम सिंबल लेंगे के जगह पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एल सिंबल यूज करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, हमारे पास सिंपली एक ही कॉयल होगा, इसी में हमारा करंट भी फ्लो करेगा और इसी में हम क्या है फ्लक्स चेंज भी देखेंगे, टोटल फ्लक्स एम फाई, और इसी में जो करंट फ्लो होगी आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या होगा कि एक ही कॉयल में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे जो फ्लक्स जनरेट होगा, तो अगर वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसी में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो सेल्फ एक ही कॉयल है इसलिए क्या है, इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, और जो कांस्टेंट यहाँ होगा उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। यहाँ से हम देखें फिगर से सेंस क्या देख सकते हैं, सेंस टोटल फ्लक्स पास आउट द कॉइल एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, सिंपली आई। हमारा एन फाई कितना हो जाएगा यहाँ से, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन फाई, एन फाई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके जगह पे हम के जगह क्या लेंगे, एल, एल इंटू आई। अब हम क्या करें, अगर आई की वैल्यू 1 ले लें तो जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा वही क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिनोट करेगा। हम क्या कर रहे हैं, इफ आई इक्वल टू
1 एम्पियर। देन हमारा जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा क्या हो जाएगा, एल बराबर एन फाई, और ये क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेगा। इस तरह सेल्फ इंडक्टेंस डिफिनेशन क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स चेंज इन द सेम कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम कॉइल इज 1 एम्पियर। जब उस कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो जितना फ्लक्स पावर्स आउट होगा उससे, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। यहाँ इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है हेनरी होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। इस तरह हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ओवरऑल हम ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन ए कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनदर कॉइल और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम कॉइल, इसी कंसेप्ट में हम ये दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस इन ए कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनदर कॉइल और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम कॉइल, तो ये दो टाइप हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी सॉलिनाइड के लिए डिराइव करेंगे। अगर हमारे पास एक सॉलिनाइड है तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा एक सॉलिनाइड का अरेंजमेंट है। इसमें हमने मान लिया कि जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, ऐसे इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं इस सॉलिनाइड में, और करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी है, आई करंट है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, एन है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है सॉलिनाइड का, मान लिया हमने एल है, इस तरह से हमने दिखाया। तो अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस का जो डिफिनीशन पढ़े हैं, एन फाई इक्वल टू एल आई, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे तो डिराइव करने के लिए, और फ्लक्स का जो फार्मूला हमें पता है फाई इक्वल टू बी इन टू ए का यूज करेंगे, दोनों को रिलेट करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉलिनाइड हो गया, इसमें करंट दिखा दिया गया। अब इसका क्या होगा, इस करंट से नाते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये इस एरिया के थ्रू पास होगा तो फ्लक्स बन जाएगा। तो कितना टोटल फ्लक्स इस ट्रांसेक्शनल एरिया से पास होगा यहाँ सॉलिनाइड के लिए वो हम निकालेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली एल इन टू आई, करंट की जैसे वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा। तो यहाँ हम इसके बाद तो सॉल्व करेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिनाइड कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स एक टर्न का फ्लक्स अगर फाई है तो एन टर्न है मान लिया उसमें, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन फाई, और एक डिपेंड करते किस पे, आई पे, तो डायरेक्ट हमने एन फाई इक्वल टू एल इन टू आई, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमने एक एक्सप्रेशन बनाया एन फाई इक्वल टू एल आई, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिनाइड डिपेंड ऑन करंट पासिंग थ्रू द सॉलिनाइड एंड दैट इज इक्वल टू एल इन टू आई। अब हम क्या करेंगे, इसी फ्लक्स की वैल्यू क्या है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में फाइंड करेंगे। तो जो सॉलिनाइड है हमारा अगर देखें तो उसके अंदर क्या है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनाइड कितना हो जाएगा, हमें पता मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनाइड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये वैल्यू हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनाइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तब हम निकालें फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिनाइड, किसी एक टर्न के कारण कितना फ्लक्स पास होगा, फिर टोटल निकाल लेंगे, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिनाइड कितना हो जाएगा, फ्लक्स के डिफिनीशन से कर देंगे फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ये वैल्यू होती है हमारी। तब हम टोटल फ्लक्स अगर निकालें तो दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या निकालेंगे अब, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट कितना टोटल फ्लक्स है, तो टोटल के लिए एन फाई कर लेंगे, तो
हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर एन फाई इक्वल टू एन बी ए। अब क्या करना, एन की वैल्यू बी की वैल्यू रख दें और तब कंपेयर कर दें इक्वेशन वन से। एन हम जानते हैं स्मॉल एन इंटू एल हो जाएगा, इसको हम पढ़ें बी की वैल्यू अभी निकालें म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो और अरेंज करें तो क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। तो ये एन फाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं एन फाई दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल जाएगा, एन फाई लेफ्ट साइड में दोनों के हैं तो हमें मिल जाएगा एल आई, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस इनसाइड ए सोलेनोइड। तो इस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए जो कि इस पर डिपेंड करता देख रहे हैं, ज्योमेट्री एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कितना एल का वैल्यू कैसे चेंज होगा। ओके, थैंक यू।